जब भी भारत के सबसे महान साम्राज्य और राजवंशों की बात होती है तो चोल साम्राज्य का नाम भी इसके अंतर्गत गिना जाता है। यह वही चोल साम्राज्य है जिसके पास उस दौर में दुनिया की सबसे बड़ी नौसेना थी। भारत का प्राचीन बृहदेश्वर मंदिर, नटराजन की मूर्ति और कांचीपुरम की मशहूर सिल्क चोल साम्राज्य की ही देन है। दोस्तों, आपको जानकर हैरानी होगी कि चोल साम्राज्य का विस्तार केवल भारत में ही नहीं बल्कि उस दौरान श्रीलंका, वियतनाम, कंबोडिया, मालदीव, फिलीपींस, सिंगापुर, इंडोनेशिया, थाईलैंड और बहुत से दक्षिणी एशियाई देशों में भी था। चोल साम्राज्य में सत्ता हस्तांतरण के दौरान नए उत्तराधिकारी को राजदंड देने की सांस्कृतिक परंपरा को पुनर्जीवित करने के लिए भारत के नए संसद भवन में सेंगोल राजदंड की स्थापना की गई। चोल साम्राज्य के दौरान जब राजा अपने उत्तराधिकारी को सत्ता की शक्तियाँ सौंपता था तो उस दौरान सेंगोल राजदंड को एक चिन्ह के रूप में उसे भेंट किया जाता था। भारत के नवनिर्मित संसद भवन में सेंगोल की स्थापना होने के बाद से चोल साम्राज्य एक बार फिर से सुर्खियों में आ गया है। आज केवल भारत के ही नहीं बल्कि दुनिया भर के लोग चोल साम्राज्य के समृद्ध इतिहास के बारे में जानना चाहते हैं। इसलिए अपने इस वीडियो में आज हम आपके लिए चोल वंश का कुछ इतिहास लेकर आए हैं। दोस्तों, आपकी जानकारी के लिए बता दें कि चोल वंश दक्षिण भारत पर सबसे लंबे समय तक राज करने वाला वंश था जिसने भारत पर लगभग 1500 साल तक राज किया। सेंगोल की स्थापना के बाद से ही लोगों के मन में चोल साम्राज्य को जानने की इच्छा बढ़ती जा रही है। चोल साम्राज्य की स्थापना विजयालय ने 850 ईस्वी में की थी जिसे चोल साम्राज्य का पहला शासक माना जाता है। उनका शासनकाल 850 से लेकर 870 ईस्वी तक था। 8वीं शताब्दी के विजयालय ने तंजौर पर आक्रमण करके अपना कब्जा जमा लिया और पल्लवों को हराकर चोल वंश का उदय हुआ। विजयालय के बाद चोल वंश के उत्तराधिकारी आदित्य प्रथम बने और आगे चलकर परांतक प्रथम और राजराज प्रथम ने इसे खूब फूलने फलने का अवसर दिया। आगे चलकर इसी वंश में राजेंद्र प्रथम राजा भी हुए। इतिहासकार मानते हैं कि जब समुद्री मार्ग से व्यापार की शुरुआत भी नहीं हो पाई थी, जब कोलंबस ने भी नहीं की थी अमेरिका की खोज, उस समय चोल वंश के पास दुनिया की सबसे बड़ी नौसेना यानी नेवी थी। हिंद महासागर में चोल वंश की नौसेना का वैभव इतिहास के पन्नों में स्वर्ण अक्षरों में दर्ज है। चोल वंश के महान राजा राजराज प्रथम ने जिस तरीके से हिंद महासागर में दुनिया के अलग अलग देशों से युद्ध लड़के जीत हासिल की थी, उससे यह साफ पता चलता है कि उस समय इतनी बड़ी नेवी विश्व में कहीं भी नहीं थी। दुनिया के सबसे बड़ी और व्यवस्थित नौसेना होने के साथ साथ चोल वंश की नेवी सभी जरूरी हथियारों से भी लैस थी। चोल वंश में नौसेना के विकास का पूरा श्रेय चोल वंश के महान राजा राजराज प्रथम को जाता है। राजराज प्रथम का मूल नाम अरिमोलिवर्णम था। कहा जाता है कि राजराज प्रथम ने खुद अपना नाम राजराज रखा जिसका अर्थ राजाओं का राजा होता है। इसके अलावा राजराज प्रथम को उनके जीवन काल में चोल मार्तंड, शशिपाद शेखर, राज मार्तंड, राज आश्रय जैसी उपाधियां भी मिली। राजराज प्रथम चोल वंश के सबसे महान राजा थे। इन्होंने चोल वंश के विस्तार और नौसेना विकास में सबसे अहम भूमिका निभाई थी। उन्होंने केरल के राजा रवि वर्मा को त्रिवेंद्रम में हराया जिसके बाद धीरे धीरे पांड्या राजाओं को भी हराकर और सिंघल को हराकर राजराज प्रथम ने दक्षिण में श्रीलंका तक अपना साम्राज्य बढ़ा लिया। उत्तर में उन्होंने कलिंग को पराजित किया और उड़ीसा तक अपना साम्राज्य स्थापित कर लिया। इसके अलावा राजराज प्रथम ने मालदीव के कई हिस्सों पर भी अपना साम्राज्य स्थापित किया। राजराज प्रथम ने हिंद महासागर में विदेशी राजाओं से बहुत से युद्ध लड़े और उन्हें पराजित भी किया। ऐसा माना जाता है कि राजराज प्रथम ने इतनी बड़ी नौसेना विकसित की थी कि उस समय किसी देश के पास वैसी नेवी नहीं थी। चोल साम्राज्य में कांस्य का उपयोग चरम पर रहा। इस साम्राज्य में मूर्तिकला बहुत प्रचलित थी। चोल साम्राज्य के दौरान कांस्य का उपयोग करके सजीव और कलात्मक मूर्तियां बनाई जाती थी। नृत्य करते हुए नटराज की प्रतिमा भी चोल साम्राज्य की ही देन। इसे चोल साम्राज्य में ही कांस्य धातु द्वारा बनाया गया था। इसके अलावा यह भी कहा जाता है कि चोल साम्राज्य के सिक्के दुनिया के कई अलग अलग देशों में चलते थे। इतना ही नहीं, कांचीपुरम की मशहूर सिल्क साड़ियाँ और कांचीपुरम का मंदिर भी चोल साम्राज्य की ही देन है। तंजौर का भव्य और अद्भुत बृहदेश्वर मंदिर जिसे राजराजेश्वर मंदिर के नाम से भी जाना जाता है, उसका निर्माण भी चोल वंश के राजराज प्रथम ने ही करवाया था। क्योंकि इस मंदिर का निर्माण राजराज प्रथम ने करवाया था इसलिए बृहदेश्वर मंदिर को राजराजेश्वर मंदिर का नाम भी दिया गया है। यह मंदिर भगवान शिव को समर्पित है। यह मंदिर चोल वंश की वास्तु और स्थापत्य कला का अद्भुत नमूना है। इस मंदिर की खास बात यह है कि पूरे मंदिर को ग्रेनाइट से बनाया गया है।
यह दुनिया का पहला ऐसा मंदिर है जिसे ग्रेनाइट पत्थर के सहारे बनाया गया है। आपको जानकर हैरानी होगी कि इस मंदिर में लगभग 130,000 टन का उपयोग किया गया है। इस मंदिर के गुंबद का वजन लगभग 30 टन होगा, जबकि इसमें स्थापित नंदी का वजन 25 टन के लगभग है। चोल साम्राज्य दुनिया के सबसे बड़े और लंबे समय तक चलने वाले साम्राज्यों में से एक है। वैसे तो चोलों का उदय दक्षिण भारत में हुआ था, लेकिन आगे चलकर यह साम्राज्य न केवल भारत बल्कि विश्व के कई अलग अलग देशों तक फैल गया। चोल साम्राज्य का वास्तविक विस्तार राजराज प्रथम और उनके उत्तराधिकारी राजेंद्र चोल प्रथम के समय में ही हुआ था। दोस्तों, ये वीडियो आपको कैसा लगा हमें कमेंट करके जरूर बताएं। साथ ही वीडियो को लाइक या शेयर करना ना भूलें। इसी तरह के तमाम रोचक और अनसुनी कहानियाँ सुनने के लिए हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और साथ ही बेल आइकन को टैग कर दें, ताकि आपको हर अपडेट मिलता रहे।